हाइकिंग कैंप साइड, ये देखो जाके चेक करते हैं अंदर से कैसा है इसको। ओ किधर जा रहा है? वाह ये तो छोटा सा घर है, ये बंद कर रहा है और कभी मत निकलना दोबारा। बाय बाय। गुड मॉर्निंग, आज का दिन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। ऊपर चल रहा हूँ, आप लड़की हो लड़के नहीं हो? हम वेट कर रहे हैं बस स्टॉप है। निकला बस का वेट कर रहे हैं। 3D पे आज हम लोग जाने वाले हैं इसके स्कूल। ये देखो लौंडा पढ़ाई करेगा, कल कमाई की आज पढ़ाई होगी। आ चुकी है हमारी बस। अभी हमने स्टॉप पे बस चेंज करनी है क्योंकि ये बस आगे नहीं जाएगी, ये टुंग टंग आती है। हमें जाना है चुंकुआरो, नेक्स्ट बस लेंगे यहाँ से। यहाँ से लेनी है हमने अपनी दूसरी बस। थोड़ी सी आउटिंग करेंगे यहाँ पे। मास्क चेक करो आज मेरा, ये देखो बहुत ही बड़ा मास्क मैंने पहले लिया। ये कंफर्टेबल है, इसमें सांस आराम से आता है। और ऐसे देखो स्कूल खुल चुका है इसके, काफ़ी मज़ा आएगा। अभी जान छूटेगी इससे। धूप आज काफ़ी ज़्यादा है, बस तो आ नहीं रही। मेरा दिल है मैं ऐप खोल के काम शुरू कर दूँ। वैसे भी अपना एरिया है जे कान छिकरे का एरिया है, वो देखो ग्रैंड सेंटर। थोड़े दिनों में मतलब कोई एक साल में यहाँ पर आपको इतनी मस्त वाली बिल्डिंगें नज़र आएंगी। ये आ चुकी है हमारी बस जिसमें हमने जाना है 296A। आ गई हैवी, इसको देखो। और चलो हमें मिल चुकी है यहाँ पे भी फ्रंट सीट। फ्रंट सीट का अपना ही मजा होता है, व्यू बहुत ज्यादा क्लियर आता है। हाँ तू बोल ले, तू बोल ले। यहाँ से एरिया हो जाता है चेंज, वो टनल पार करके आएगा चुंकानो। ये होगा 2 रुपीज टनल, ये है 2 रुपीज आदमी, ये है 2 रुपीज टनल। ये है रेंज रोवर इवोक, ओपी बोलते हैं। ये देखो टनल चेक करो, निकल अपनी गाड़ी है। ये देखो 2 रुपीज बंदा भी बोल रहा है कि रेंज रोवर इवोक लेगा। यहाँ पे हो जाएगा टनल खत्म और ये आ गया चुंकानो। बड़ा प्यारा एरिया है यार ये भी। ये है यहाँ का हॉस्पिटल और इसका नाम है हेवन ऑफ होप हॉस्पिटल। ये क्या सीन है भाई, होप ऑफ हेवन लिखते तो समझ आती, लेकिन क्या कर सकते हैं, इनकी अपनी मर्जी है, इनका अपना हॉस्पिटल है। डिंग 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 डिंग। दूसरी बस से हम लोग उतर रहे हैं। सीनियर सिटीजन उतरने का नाम ही ले रहा, हट जा भाई। बाय बाय, वो गई बस और ये रहा इसका स्कूल। ये ओपी बोलते हैं स्कूल आ गया आपका, शुक्र है जान छूटेगी आपसे भी। आज लॉकडाउन खुल चुका है, इसको देखो इसको दोस्त मिल गया। वो रहा इसका स्कूल मेरे पीछे, आप लोग देख सकते हो। मजे की बात ये है कि आज फाइनली लॉकडाउन खुल चुका है, मतलब गार्डन वगैरह वगैरह सब कुछ खुल चुका है। कुछ चीजें नहीं खुली हैं, वो भी खुल गई तो हमारे लिए बेहतर होगा। होप सो के बीचेस भी खुल गए होंगे तो मजा आ जाएगा। भागो 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 भागो। चलो आ जाओ, वो देखो उसको देखो। हाँ ये स्कूल आ गया, मजे का स्कूल है यार। इसकी पेंटिंग बड़ी प्यारी है, मैंने की है भाई। नाम क्या है इसका? पता नहीं, Y3 इसके स्कूल का नाम है। नाम ही नहीं पता, हैवी लौंडे हैवी। स्कूल का हमारा काम खत्म हो चुका है, स्कूल में बंदे का बच्चा कोई नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, स्कूल सारे बंद है। मिला इसमें $900 है जो मिल चुका है इसको एनवलप। एनवलप में है $1000। एजुकेशन के बड़े फायदे हैं, ये देखो गवर्नमेंट ने इनको दिया है, मतलब कोविड के सीजन में बच्चों को देती है सब्सिडी बहुत ज्यादा। शक्ल देखो इसकी है 1000 जैसी। सिटीजन्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, देखो बच्चों के लिए भी करते हैं और हर एक शहरी के लिए ये सब्सिडी देते हैं। अभी अभी इन्होंने $10,000 ईच एंड एवरी पर्सन को दिया है, $10,000। समझ रहे हो कितनी अमाउंट बनती है, खुद सोचो, फ्री में कोविड की वजह से। अभी हम लोग आ चुके हैं TKO स्पोर्ट्स, ये एक शॉपिंग मॉल है। ये देखो ओपी वाली लिफ्ट है यहाँ पर। यहाँ से हम लोग जाएंगे MTR से। हाँ भाई हट जा, हर बार तो ये आ रहा है, आज तो MTR पे जाएंगे। आते वक्त हम बस पे आए थे लेकिन इस दफा हम लोग MTR। यहाँ से हम लोग करेंगे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग, बताना नहीं किसी को। ये देखो कितने प्यारे स्लीपर्स लगे हुए, ये देखो ये बहुत प्यारे हैं यार। लेंगे कुछ नहीं, विंडो शॉपिंग, समझ रहे हो। चलो यहाँ पे पड़े हुए जिम की सारी एक्सेसरीज, ये देखो सब कुछ पड़ा हुआ है। ये देखो पंच, इससे मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, वो देखो भाग गया। ये है गोल्फ का सारा इक्विपमेंट, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो हमारा इसमें कोई काम नहीं है। अलबत्ता इसकी बात की जाए तो हम सोच रहे हैं कि ये ले लें, काइंड ऑफ वेरी फन होता है ये। ये आ चुका है मेरा फेवरेट एरिया, जिम का सारा इक्विपमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो पहले मैं जिम करता था, अभी तो मैंने छोड़ दी है, लेकिन ये काफ़ी प्यारी जगह है। हाँ ये ओपी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे पड़े हुए डंबल, आप अपने वेट के हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो।
लेकिन हमें तो चाहिए नहीं अभी, मैं विंडो शॉपिंग करने आया हूँ तो आपको बता दूँ सारी चीज़ें मैंने कहा। ये देखो जितना हैवी आपको डंबल चाहिए आपको मिल जाएगा, ये डंबल मिलेगा आपको $500 का, इतना वेट होगा इसका, ऑलमोस्ट 20 किलो होगा। ये देखो प्लेट्स, ये अपना रॉड, रस्सियाँ, सब कुछ, बेल्ट वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा भाई साहब आपको यहाँ पर। ये देखो ये मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ ये रिलैक्स करने के लिए, ये चीज़ तो मैंने कभी जिम में देखी नहीं थी, पाकिस्तान में जिम करता था, यहाँ पे तो की नहीं है कभी। स्पोर्ट्स लवर के लिए ये गज़ब की जगह है। ये देखो बाइक का जो भी इक्विपमेंट होता है, ये देखो इसको, देखो इसको क्या कहते हैं, छोड़ दे छोड़ दे, ये रब्बी के लिए होता है, रब्बी के लिए, बास्केटबॉल चेक करो। स्पोर्ट्स लवर हैं आप तो ये शॉप में कभी मत आइएगा वरना इतना कुछ लेना पड़ जाएगा आपकी सोच है। टेनिस का सेक्शन, हर एक स्पोर्ट्स का अलग अलग सेक्शन लगा हुआ है, कपड़ों से लेके जूते, सॉक्स, बॉल वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, भर भर के चीज़ें पड़ी हुई हैं। ऐसी शॉप मैंने आज से पहले यहाँ पे हांगकांग में नहीं देखी, पहली दफ़ा है मेरी। शूज़ कितने प्यारे हैं, अगर मेरे साइज़ के मिल जाते हैं तो मैं भी ले लूँगा। ये वाला कलर उससे भी ज़्यादा मस्त है और ओनली $400 के भाई, इतने सस्ते। मैं वैसे एडिडास वेडिडास से लेता हूँ, ये देखो ये शूज़ मैंने लिए थे $1600 के, 1600, और ये इतने प्यारे प्यारे $600-$400 के लगे हुए हैं। वो भी चीज़ आप यहाँ से लोगे आप यहाँ पे जाके ट्राई भी कर सकते हो। अभी के लिए ये बंद है, लॉकडाउन आज खुला है तो होप्स हो ये भी आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें। जो भी चीज़ लो फौरन ट्राई करो, आ जाओ ना भैया चलें, इस जगह से जाने का दिल नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़। प्रोटीन्स वगैरह भी मिल जाएंगी, चॉकलेट बार यार, वैसे मैं BC वालों से लेता हूँ, BC वाला का ऑफिशियल जो शॉप है वहाँ से लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी आपको चीजें मिल जाएंगी। इस जगह का नाम क्या है, वो रहा इस जगह का नाम है डिकैथलॉन। 70 स्पोर्ट्स नहीं है, डिकैथलॉन इस जगह का नाम है, और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी। ये देखो इतनी सारी चीजें, क्या बात है। ये है डिकैथलॉन का आउटर लुक, कैंप पड़े हुए हैं, ये देखो कैंपिंग कर लवर के लिए ये जगह बहुत ज्यादा प्यारी है। स्पोर्ट्स का हर एक इक्विपमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई भी स्पोर्ट्स हो, रनिंग, जिम, साइकिलिंग, फुटबॉल, टेनिस। अबे हट जा तू सामने से। हाइकिंग कैंप साइड, ये देखो जाके चेक करते हैं अंदर से कैसा है। ओ किधर जा रहा है, वाह ये तो छोटा सा घर है, ये बंद कर रहा है और कभी मत निकलना दोबारा, बाय बाय। ये हमें चाहिए लेकिन जब पाकिस्तान में जाएंगे तब के लिए चाहिए हमें, इधर तो कर ही नहीं सकते। तो कैंप वगैरह की है जगह बहुत सारी लेकिन यहाँ पे बंदे नहीं है, वहाँ गए तो एक ना एक साथ में जरूर लेके जाऊंगा। साइकिलिंग एरिया कहाँ है, कितनी बड़ी जगह है ये। ये रहा सर्फिंग का सारा एरिया, बोटिंग, सर्फिंग, भाई एक छत में कितनी सारी चीजें दे दी हैं इन्होंने, सारा स्पोर्ट्स में। क्या क्या प्राइस है इसकी, मटेरियल ओबे $30,000, नॉट बैड। देख लो यहाँ से रहा साइकिलिंग एरिया, ये साइकिल बहुत ज्यादा प्यारी है, सिर्फ $1500, नॉट बैड। शक्ल देखिए, ये मैं बचपन में बहुत यूज करता था लेकिन अभी छोड़ दिया है मैंने इसको सारा कुछ। और आगे अगर हम जाएं तो यहाँ पे स्केट बोर्ड का फंक्शन आ जाता है सारा। ये देखो स्केट बोर्ड कितनी तगड़ी है, ये वाली क्या लग रही है, ये मटेरियल से चेक करो, मस्त है। 600 नॉट बैड, 600 का कुछ भी नहीं, महंगा नहीं है लेकिन इतना सब कुछ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक शॉप में मिलेगा। $9,500 की साइकिल, इसमें ऐसा क्या है। वैसे लेक्सस की साइकिल मैंने उस दिन देखी थी वो तो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, पता नहीं इसमें क्या है। इसकी हरकतें चेक करो, क्या कर रही हो। चलो आ जाओ चले, विंडो शॉपिंग ख़त्म हो गई। इतनी प्यारी जगह होगी अंदर से, मैंने ये सोचा नहीं था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, हर एक स्पोर्ट्स की चीज़ें। आने का दिल नहीं कर रहा लेकिन विंडो शॉपिंग को यहाँ से ख़त्म करेंगे, अभी जाएंगे घर। जैसा कि मैंने बोला था गार्डन भी खुल चुके हैं 21 तारीख है आज, तो सारे गार्डन खुल चुके हैं, वो देखो बच्चे खेल रहे हैं और ये भी खेलेंगे। नाविया गार्डन जाना है, नाविया दे देखो गार्डन जाना है, चलो फिर जाते हैं, वरीशा को लेके जाएंगे। हैवी लोंडा दो ऑर्डर लेके जा रहे हैं, आज काम ज़्यादा है लेकिन मैं काम पे गया। पॉपकॉर्न प्लाजा, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लाजा इन हांगकांग है ये पॉपकॉर्न, अगर लंबाई के हिसाब से बात की जाए तो बहुत लंबा प्लाजा है ये चुंकानो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह है हर लिहाज से। ये आ गया स्टेशन MTR का, यहाँ से बैठ के जाएंगे डायमंड है MTR चुंकानो से, हमने जाना है त्यूकिंग लिंग में, हमने MTR चेंज करनी है। नाम देख रहे हो, वही बात आती है, नाम है गाली है, खुल जा सिम सिम। MTR से हम लोग ने और दूसरी MTR सामने खुली हुई है, इस MTR से जाएंगे हम लोग क्योंकि वो MTR आगे जाती नहीं है, ये जाएगी उससे आगे। 5 हो गए, घर आ गए थे, इफ्तारी की है, उसके बाद मैं तो सोया नहीं हूँ रात को, अभी सहरी कर ली है, 5 हो गए अभी जाके सोएंगे। तो ये था आज का ब्लॉग, मेकअप ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। लॉकडाउन खुल चुका है तो बाहर जा सकेंगे, बहुत सारी जगह अभी खुल चुकी हैं,
तो जाएंगे देखेंगे फिर क्या होता है। ये आज की हमने थोड़ी विंडो सीट शॉपिंग, ऊपर से $1,000 उस नूब को मिल गया, हमें तो घंटा कुछ नहीं मिला। तो मिलते हैं फिर, बहुत सारी जगह देखनी है। बाय बाय।